दारू बिहार में प्रतिबंधित है और यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान में दारू का गाड़ी लाके यहाँ पर रखा जाता है। 2018 में जब देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा था, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राष्ट्रपिता के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यह होगा कि इस मौके पर पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दी जाए। नीतीश कुमार के इस बयान से ठीक 70 साल पहले सन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के दूसरे ही दिन बिहार के अररिया में बुद्धिजीवियों ने एक बैठक की थी और गांधी जी के नाम पर एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। जिले के आरएस थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजूद महात्मा गांधी स्मारक हाई स्कूल इसी निर्णय का परिणाम है। विडंबना देखिए, आज इस स्कूल के साथ जो हो रहा है वो न सिर्फ महात्मा गांधी के मूल्यों का अपमान है, बल्कि शिक्षा और बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को बताने के लिए भी काफ़ी है। दरअसल पिछले दिनों अररिया टोल प्लाजा के समीप उत्पाद विभाग ने 3 ट्रक अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसे वहां मौजूद स्कूल कैंपस में रख दिया गया। और जो गाड़ी कार्टून उतरती है उनसे थोड़ी शराब की बदबू आती है और हम जब भी सफाई करने जाते हैं तो थोड़ा भय लगा रहता है। फिलहाल कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन +2 में पढ़ने वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए स्कूल आ रहे हैं। 12th का इंटर का एडमिशन का, अच्छा, तो वही भरने के लिए आई हुई थी। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि स्कूल कैंपस में शराब रखी हुई है और आसपास छात्र छात्राएं आ जा रहे हैं। शराब लदे ट्रक को स्कूल कैंपस में रखे जाने से छात्र व शिक्षक परेशान हैं। प्रिंसिपल ने आला अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो पढ़ाई लिखाई और फॉर्म फिलअप को छोड़ करके दारू का कार्टून को देखने जाते हैं, जबकि दारू बिहार में प्रतिबंधित है और यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान में दारू का गाड़ी लाके यहाँ पर रखा जाता है। और जो थाना प्रभारी हैं उनको कहा भी गया तो वो बता रहे हैं कि ऊपर से आदेश है हमको DM का कि खाली जगह वहीं है वहीं रखो, बाद में खाली होगा। फिर थाना प्रभारी से बात किए तो वो आपको बोले हैं DM से बात कीजिए? हाँ, उन कहते हैं कि आप अपना DM SP से जहाँ वो बात कीजिए, हमको ऊपर ही से आदेश है गाड़ी यहाँ लगाने का। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि स्कूल के 2 कमरे होमगार्ड जवानों को रखने के लिए लिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शराब से लदे वाहनों का जमावड़ा स्कूल कैंपस में शुरू हो गया। कितने दिनों से है यहाँ पे? यहाँ जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तब से हम लोग 5 आदमी को भेजा गया था, जिसमें 13 जवान है और 13-5 18 जवान हुआ है और 18 जवान हम लोग मैंने 4-5 महीना से है। वहीं इस बारे में SDPO पुष्कर कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि किसके आदेश पर कैंपस में शराब रखी जा रही है। उसमें अब किस तरह से रखा गया उसको हमको जानकारी नहीं है कि किसके आदेश पर रखा गया है। स्कूल तो ऐसे अभी बंद है, लेकिन अगर फिर भी है तो हम उसको देख लेते हैं कि किसके आदेश पर रखा गया है, तो उस पर भी होगा तो उसको हम जांच करेंगे, जांच करके हम उस पर हटाएंगे और किस आदेश से है उत्पाद वाले से पूछेंगे या जिला प्रशासन ने आदेश दिया तो पता लगाते हैं कि किसके आदेश से उसको वहाँ रखा गया है। बच्चों का कहना है सर शराब महकता है वहाँ, बच्चा तो स्कूल ही बंद है, बच्चा कहाँ से कहेगा? अभी तो सारे स्कूल एडमिशन हो रहा है लेकिन बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं।